नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ उसी आपके फेवरेट टॉपिक को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम एक बात बताओ, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट किया जा सकता है, अच्छी इनकम आ सकती है, लेकिन हम बहुत से लोगों को मिलते हैं जो रेगुलर इस बिजनेस में लगे रहे, कुछ दिन उन्होंने करने की कोशिश भी की पर पैसा कुछ खास उनके हाथ में आया नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, मेहनत लगी पर ऐसा कुछ पैसा नहीं कमा पाए वो। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगी, ब्रूनो और पैब्लो की कहानी, जो बड़ी फेमस कहानी है नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए और ऑब्वियसली ये हर बिजनेस में वैसे तो काम करती है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक रामबाण है। ये कहानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का शायद पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगी कि एक्चुअली होता क्या है उन लोगों के साथ जो फेल हो जाते हैं, जो बहुत कमा नहीं पाते हैं थोड़े दिन मेहनत करके ट्राई करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की, ब्रूनो और पैब्लो। ये बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे लेकिन बेरोजगार थे, मेहनत करना चाहते थे, कर भी सकते थे, दो ही चीजें थी, एक तो पैसा लगाने के लिए उनके पास बहुत था नहीं और दूसरा कि वो अपने गांव में रहकर ही कोई रोजगार ढूंढ रहे थे जहां पे रोजगार के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थे ही नहीं। तो दोस्तों, ब्रूनो और पैब्लो ऐसे ही परेशान थे, रोजगार की तलाश में थे, तभी क्या होता है कि उस गांव में पानी की काफी किल्लत होती है, वहां के लोगों को पानी के लिए जो गांव के पास ही एक ऊंची पहाड़ी होती है, पहाड़ी में एक तालाब या स्ट्रीम होती है जहां से पानी ढो करके लाना पड़ता है। तो गांव वालों में बहुत परेशानी थी पानी को लेकर के और पानी की किल्लत को लेकर के। तो वहां के मेयर, जो उस जगह के मेयर हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर दूं जो कि पहाड़ी पे जाएं और वहां से पानी ढो करके लाएं गांव वालों के लिए, गांव वालों की पानी की किल्लत खत्म हो, परेशानी खत्म हो, तो दूसरे रोजगारों में और दूसरे कामों में गांव वाले अपना ध्यान लगा सकें और गांव की तरक्की हो सके। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट देते हैं वहां के मेयर कि जो पानी ढो के लाना चाहता है उसको हर बकेट पानी के लिए, हर बाल्टी पानी ढो के लाने के लिए मैं $5 दूंगा। तो इन दोनों को तो जरूरत थी रोजगार की और इन्हें समझ आ गया कि चलो नौकरी तो मिली, पैसा तो आएगा, तो ये अपना अप्लाई करते हैं और इनको वो नौकरी मिल जाती है, बड़े खुश होते हैं। रोज ये लोग ऊपर बाल्टियां लेके जाते हैं पहाड़ी पे, वहां पे बाल्टियां पानी की भरते हैं और फिर नीचे आके डिपॉजिट करवाते हैं, डिपॉजिट रजिस्टर में अपना लिख देते हैं और हर बाल्टी के लिए $5 मिला करते हैं। फिर इन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा कमाया जाए, कुछ और किया जाए, तो ये ऊपर पहाड़ी के ज्यादा चक्कर लगाने शुरू करते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा बाल्टियां पानी भर के लाएंगे उतना ही ज्यादा ये पैसा कमा पाएंगे। पैब्लो को ये कॉन्सेप्ट कुछ मुश्किल लगता है, उसको लगता है कि यार कब तक चलेगा ऐसा, शाम को मैं थक हार के चूर हो चुका होता हूँ, लगा रहता हूँ, एक लिमिटेड ही नंबर ऑफ बकेट्स है जो कि मैं ऊपर से ला सकता हूँ, एक दिन में मैं 500 बार तो ऊपर नीचे नहीं कर सकता ना, तो मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जो मेरी स्पीड है, जो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इतनी बार ही ऊपर जाता हूँ और इतनी बार ही नीचे बकेट्स लेके आ पाता हूँ और एक बार में मैक्सिमम मैं 2 बाल्टी पानी ही ला पाता हूँ। तो यही सोचते हुए पैब्लो कुछ दिमाग में चला रहा होता है और अल्टीमेटली वो सोचता है क्यों ना मैं ऊपर पॉन्ड से लेकर के नीचे गांव तक की एक पाइपलाइन बिछा दूं और उस पाइप से जब पानी आया करेगा तो मैं पर बकेट पैसा चार्ज किया करूंगा वही $5, लेकिन मुझे बार बार उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं कितना भी पानी निकाल सकता हूं। तो वो अपना आइडिया ब्रूनो को बताता है तो ब्रूनो उसकी बात से सहमत नहीं होता है, बोलता है क्या बेकार की बातें हैं, इतना मेरे बस की नहीं है, तुम ही करो ऐसी चीजें। इधर ब्रूनो भी सपने तो देख रहा होता है कि कैसे भी मैं ये $5 इकट्ठा करता रहूं, फिर मैं एक गाय खरीदूंगा, फिर एक मकान खरीदूंगा, फिर मैं शादी करके अच्छे से जिंदगी जीऊंगा।
ब्रूनो जो है अपने बाल्टी वाले काम में लगा रहता है, और पैब्लो क्या करता है कि दिन में तो वो बाल्टियों से बकेट उठा के लाता है और अपने रोज के जो पैसे कमा सकता है वो कमाता है ताकि उसकी रोज की रेगुलर इनकम बंद ना हो। लेकिन शाम को जो उसका एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें पैब्लो अपनी पाइपलाइन का काम धीरे धीरे शुरू कर देता है, पाइपलाइन बनानी शुरू कर देता है, खोदनी शुरू कर देता है। तो जब पैब्लो ये काम कर रहा है तो सारे गांव वाले उसके ऊपर खूब हंसते हैं, उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर ब्रूनो को भी अपनी गाय लानी है, नया घर बनाना है, तो ब्रूनो अपनी बाल्टियों के साइज बढ़ा देता है, बड़ी बड़ी बाल्टियों में अब पानी भर के लाता है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। ज्यादा बार ऊपर नीचे जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी जो मिलता है वो एक चक्कर और लगा लेता है पहाड़ी का ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। और इधर पैब्लो बस अपने गुजारे लायक बाल्टियां ले आया, पैसे कमा लिए, बाकी टाइम में वो अपनी पाइपलाइन बनाता है। तो सब लोग उसका काफी मजाक उड़ा रहे हैं पैब्लो का, और इधर ब्रूनो धीरे धीरे अपनी गाय भी ले आया, उसने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया, और जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो पब्स बार में जाके एंजॉय भी करता है। और हर कोई ब्रूनो पैब्लो का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम में सिर्फ पाइपलाइन खोदने में लगा है जिसका दूर दूर तक कोई वैल्यू अभी किसी को नजर ही नहीं आ रही है, वो मेहनत करने में लगा हुआ है और ब्रूनो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तभी क्या होता है कि कुछ समय बाद, कुछ साल लगते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं पैब्लो को और उसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो जाती है। इतने में ब्रूनो का शरीर थकान से पहाड़ी के बहुत ज्यादा चक्कर लगाने की वजह से, बड़ी बड़ी बाल्टियां उठाने की वजह से कमजोर होता जाता है, थकने लगा है, बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा है। अब पैब्लो उतनी बड़ी बाल्टियां नहीं, ब्रूनो उतनी बड़ी बाल्टियां नहीं उठा पाता, इतने ज्यादा चक्कर नहीं लगा पाता। इधर पैब्लो घर में बैठ के पाइपलाइन के नल का खोलता है और बाल्टी भरता है और हर बाल्टी पे पेमेंट लेता है। लोगों को इंस्टेंट पानी मिलता है, यानी कि उनको इंतजार नहीं करना है उसके पहाड़ी तक जाके लौटने का, यहाँ पैसे दिए और यहाँ पाइपलाइन से नल का चलाए और पानी हाजिर। तो ब्रूनो का रोजगार जो है कम होना, ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। इधर पैब्लो जो है पैसा बह रहा है पानी से, पाइपलाइन से बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है। तो दोस्तों पैब्लो को टाइम तो लगा पाइपलाइन खोदने में, लेकिन उसके बाद उसे अपने शरीर को थकाना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता, उसको ये नहीं सोचना होता कि अगर वो बूढ़ा हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, वो इतनी मेहनत कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो बैठे हुए नल का चला के और पैसे छाप रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है कि शुरू में जो पाइपलाइन है ना वो खोदना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, शुरू के साल 2 साल निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि तब कमाई कम और मेहनत ज्यादा होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आपको नलके से पानी की तरह पैसा बहाना है तो दोस्तों पाइपलाइन तो बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि 2-4 महीने बाल्टियां उठा ली और उसी से अमीर हो जाएंगे तो आप उससे सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में बाल्टियां ला और ले जा सकते हैं। लेकिन अगर पाइपलाइन बनानी है तो आपको 2-3 साल का सब्र और लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदगी भर की पैसिव इनकम, जिंदगी भर का पैसा और जिंदगी भर का एक सुकून, सिक्योरिटी आपको मिल सकता है जो यहाँ मिलेगा। तो ये थी दोस्तों ब्रूनो और पैब्लो की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग कितना समझ आया ये भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको अपडेट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।